आइए प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, तो आइए पिछली क्लास में हमने जहां तक किया था वहीं से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है साथियों, कि प्रत्येक दिन जो है पाई चार्ट का हमारा क्वेश्चन आता रहेगा और आप लोग उससे बढ़िया बढ़िया बात सीखते चले जाएंगे। ठीक है साथियों, तो आइए वही वाला सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग के साथ। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले फिर से वही बात, जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। ठीक है, और हमने एक बैच भी स्टार्ट किया है, रीजनिंग स्पेशल का बैच। रीजनिंग में सब कुछ पढ़ा रहा हूँ साथियों, कई टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और बाकी जो चीजें हैं उसको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो भाई, आपको बहुत लोग भटकाने वाले मिलेंगे लक्ष्य से, लेकिन आपको कभी भटकना नहीं अपने लक्ष्य से, लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है और ये गारंटी है कि आप लोग एक दिन सफल जरूर बनोगे। ठीक है, लेकिन सफल वही बनेगा जो लगातार चलता रहेगा। ठीक, अगर आप किसी के बताए भाई, मान लीजिए आपने किसी नेता को देखा, कहा भाई आज नेता बनेंगे, कल वैज्ञानिक को देखा वैज्ञानिक बनेंगे, तो ये गलत बात है। लक्ष्य एक होना चाहिए, बाकी होना चाहिए चीजें अलग अलग दिमाग में, पहले उस लक्ष्य तक पहुंचो फिर दूसरा लक्ष्य बनाओ। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिना टाइम गमाए भाई एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। पहले परसेंटेज वाली बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा डिग्री वाला भी बात कर लेंगे। गोला वाला ही अभी हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर एक है क्या, एक छोटा सा अपना क्वेश्चन है, उसी को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? अच्छा, तो गोला थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक, एक मिनट रुक जाओगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो दिखेगा सबको। ठीक, अब सही है जी, गोले में जब भी परसेंट होता है भैया, परसेंट हमेशा जो होता है ना 100% होता है। ये भोजन है भैया, भोजन 45% है। कितना है? 45%। ठीक है जी, अन्य एक खर्चा है, ये थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि 45% है तो 50% गोला ही रहेगा। ये 6% अन्य है। ठीक है, आगे है 15% शिक्षा, 15% शिक्षा। ठीक, 15% शिक्षा है, 9% ईंधन है, 9% ईंधन, 9% साथियों ईंधन है, और 11% कपड़े हैं, 14% किराया है। 11% कपड़े, 14% जो है साथियों किराया है। क्या है? किराया। सवाल बनके रेडी हो गया आप लोगों के सामने, एक बार इसका अध्ययन करिए, फिर हम क्वेश्चन इसमें से बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा ढंग से आप लोगों को आइए भाई, इससे अब क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, बढ़िया बढ़िया इजी इजी क्वेश्चन है। और ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने प्रतिशत है? किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का, ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? देखो सवाल ये होगा, अब एक बार फिर से पढ़िए सवाल में साथियों, ये कहा है ना कि किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है? साथियों, किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है?
तो किराया देखो अपना कहाँ है भाई, देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे है, और ईंधन क्या है, यहाँ पे। तो कह रहा है किराए पर किया गया खर्च, ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है, तो ईंधन यहाँ पे 9 है, बटे में 9 लिखी, किराया पर खर्च कितना हुआ है 14, तो 14/9, और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं साथियों, गुना में 100, सवाल का आंसर आ जाएगा। अब इससे यहां पे भाई 1400 हो गया और बटे में 9, 9 से काटेंगे ना, देखो 9 इकन्ना में 9 है ना, एक भर गया, 5 बच गया, 9 बचे, सॉरी 9 इकन्ना में 9, 5 बचा कितना हो गया 50, 9 बचे 45, फिर 5 बचा 50, 9 बचे 45, फिर कितना बच गया 5 बटे में 9%। तो आप देखेंगे ना जो सवाल में दिया है क्या क्या दिया है भाई, 135%, 167% और 172%, 156%। तो ये जो वैल्यू है ना अपना 156% के आसपास है, तो इसी को हम राइट अपना आंसर मान लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लो, किराए पर किया गया खर्च, किराया यहां पे है, ईंधन के खर्च का कितना परसेंट है, तो ईंधन का यहां पे, ईंधन को हमेशा बटे में रखेंगे किराया पे, तो देख लो तो 14/9 गुना में 100, ऊपर किया 1400 बटे में 9, कैलकुलेट कर दिया साथियों, आपके सवाल का आंसर आ गया, यानी कि यहां पे जो है 156% राइट आंसर है साथियों। ठीक है, अगर 100% राइट की बात करें तो साथियों ये होगा। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाया ना जी, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको हुई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, अगला सवाल मैं पूछ सकता हूं क्या, किन तीन मदों का खर्चों में केंद्रीय बिंदु 108 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा सवाल, किन तीन मदों, किन तीन मदों के खर्चे में खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनाता है, केंद्रीय बिंदु पर, सॉरी ये मात्रा बाबू इधर से रहेगा, ठीक है, केंद्रीय बिंदु पर, अरे रुक जाओ, अब सही है जी, केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनाता है, 108 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। देखो किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखो 108 डिग्री का हमें कोण चाहिए, तो आपको मैंने बताया था ना 1% की जो वैल्यू क्या होती है बाबू, तो आप उसी दिन बताए थे हमको 18/5 होता है। अगर 18/5 होता है साथियों ना, तो किन तीन मदों का खर्चा 108 डिग्री आना चाहिए, तो बता दो किनका आ सकता है। तो आप जोड़ोगे यहाँ पे 9, 15 और 9, 30 हो गया, 30 का अगर कर दिया जाए गुना, 5 6 30, 18 6 108, ठीक। आप देख लो ना, तीन मदों की बात किया, तो 6% + 15% + 9% तो 6 9 6 कितना होता है बाबू 15 और 15 ये 15 15 30, गुना में 30 कर दीजिए, तो 5 6 30, 18 5 90, 18 6 108, 108 डिग्री आया कि नहीं। किनको किनको मिलाने से आया भाई, अन्य को, शिक्षा को, ईंधन को। तो सवाल में पूछा किन तीन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनाता है, तो बाबू अन्य, शिक्षा, ईंधन, सवाल का आंसर है अन्य,
शिक्षा और एक बाबू है ईंधन। यही सवाल का 100% वैलिड आंसर है साथियों, इतनी बात को आप लोग नोट करिए। फिर अगला सवाल साथियों हम बताते हैं। उम्मीद है साथियों आप इतनी बात को जरूर अच्छे ढंग से समझ पाते होंगे, है ना, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान है चीज़, साफ सुथरे ढंग से आपको दिख भी रहा है, ठीक है भाई, है ना, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आइए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटाया ना जी, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपना क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि उस परिवार की कुल आय, यदि उस परिवार, यदि उस परिवार, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया हो तो, 25,000 रुपया हो तो, 25,000 रुपया हो तो, एक मिनट सॉरी थोड़ा, अभी एक फोन आ गया था, आप लोग डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुई है, फिर से सवाल पढ़ देते हैं। देखो सवाल में दिया है यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया हो तो, कुल आय 25,000 रुपया हो तो किराया तथा भोजन का, किराया तथा भोजन पर, किराया तथा भोजन पर, भोजन पर कितना रुपया खर्च हुआ है, कितना रुपया खर्च हुआ है। अब समझो भाई, देखो यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया हो तो भोजन पर, भोजन पर नहीं सॉरी, यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपया हो तो किराया तथा भोजन पर कितना रुपया खर्च हुआ है साथियों, ये क्वेश्चन आपका है, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो देखो परिवार की जो टोटल इनकम होती है साथियों 100% होती है, कितने परसेंट होती है साथियों 100%, 100% की वैल्यू सवाल में क्या है साथियों 25,000 है, कितना है 25,000। तो देखो बाबू 0 से 0, 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 1% की जो वैल्यू आई सवाल में ना 250 आ गया, कितना आ गया 250। सवाल में आपसे साथियों पूछा क्या है, सवाल वैल्यू क्या आ गया 250। अब सवाल में आपसे पूछा क्या है, किराया तथा भोजन पर कितना खर्च हुआ है ये बता दो, तो किराया आपका है 14% और भोजन आपका कितना है 45%, जोड़ेंगे 5 4 9 5 5 4 9 हो गया, 4 1 5 59 आ गया, 1% की वैल्यू साथियों ना 250 है, 1% की वैल्यू कितना है साथियों 250, तो 250 से गुना कर दीजिए, सवाल का आंसर आ गया, तो 0 है 0 लिख लेंगे, 25 9 225 के 5 हासिल लगा 22, 25 9 225 होता 5 लिख लिया हासिल लग गया 22, 25 5 125, 25 5 125 होता है और प्लस 22 जोड़ लीजिए तो ये 7 हो गया, 4 हो गया और ये, तो बाबू 147, ये सवाल का क्या आ गया आंसर 14,750 आपका इसमें सही है साथियों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए होंगे साथियों। अब आइए एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं साथियों, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं। देखो प्रत्येक एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती ऐसे सवालों में, सवाल बेहद इजी ही है। और पीटी का सिलेबस इजी वाला होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है मित्रों, ठीक है। अब आइए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भोजन का केंद्रीय कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो, भोजन का केंद्रीय कोण ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो साथियों,
भोजन का केंद्रीय कोण। तो आप अगर याद करेंगे ना, हम 1% की वैल्यू आप लोगों को क्या बताए थे साथियों, 1% की जो वैल्यू होती 5/18 डिग्री होती है। सॉरी, 1% की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था 18/5, और 1 डिग्री की जो वैल्यू बताया था साथियों 5/18 बताया था। 1% की वैल्यू 18/5, 1 डिग्री की वैल्यू 5/18%, ये मैंने बताया था साथियों। अब देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं पहले क्लास से बताता आ रहा हूं साथियों। 1% की वैल्यू 18/5 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू 5/18%। सवाल में परसेंट है तो परसेंट वाला लगाएंगे, तो ये देखो परसेंट परसेंट वाला ये है। तो भोजन का केंद्रीय कोण ज्ञात करो, तो भोजन कितना है साथियों 45, और 1% की वैल्यू क्या है साथियों 18/5, 5 × 9 = 45, 18 × 9 = कितना होता भाई 62 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को समझ गए होंगे साथियों। 18 × 9 क्या होता है साथियों 162। इतनी में कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं जी, उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझ पा रहे होंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं आपको होती होगी। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको नोट करिए जी आप। आइए भाई अब अगले क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से होगा, फिर एक भाई डिग्री वाला कर लेंगे। ठीक है साथियों, एक लास्ट क्वेश्चन क्या, शिक्षा तथा भोजन के भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात, 5वां क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। शिक्षा तथा भोजन, शिक्षा तथा भोजन पर खर्चे का, शिक्षा तथा भोजन पर खर्चे का अनुपात अनुपात क्या होगा भाई बताइए। देखो शिक्षा तथा भोजन पर, शिक्षा तथा भोजन पर खर्चों का अनुपात क्या होगा, तो आप देख रहे हैं ना भाई, शिक्षा 15% है और भोजन कितना है 45, तो शिक्षा को पहले लिखो शिक्षा, दूसरी बात भोजन को लिखेंगे भोजन, तो शिक्षा अपना क्या है 15% है और भोजन क्या है साथियों 45%, तो 15 का नाम 15, 15 × 3 = 45, 1:3 सवाल का आ गया साथियों आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आप ये भी बात बड़े अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, है ना। अब आइए एक डिग्री वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर भाई इस सेशन को खत्म करेंगे। ठीक, आइए इसको मिटाते हैं पूरे सवाल को। जिसको भाई थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करिए, बैक करके फिर से जाइए, फिर देख लीजिए भैया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मैंने बताया था जैसा कि प्रत्येक दिन भैया 2 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं भाई। आइए भाई एक सवाल है अपना, उसी को करेंगे भाई। एक सौ बीस डिग्री साथियों है कागज का मूल्य, कागज का मूल्य 120 डिग्री साथियों कागज का मूल्य है, नब्बे डिग्री साथियों छपाई है, 90 डिग्री छपाई है साथियों, आगे
70 डिग्री विज्ञापन है, 70 डिग्री विज्ञापन, ठीक है। और क्या है भाई, 60 डिग्री रॉयल्टी, 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है, रॉयल्टी, और 20 डिग्री विविध खर्च है, 20 डिग्री, 20 डिग्री विविध खर्च, देखो भाई मैंने बार बार आप लोगों से बताया कि भाई गोले में जब भी डिग्री की बात हो तो 360 डिग्री, परसेंटेज की बात हो साथियों तो कितना होगा, डिग्री की बात हो तो 360 डिग्री, परसेंटेज का अगर बात होगा साथियों गोले में तो 100% रहेगा। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं भाई। अगर बात ऐसी है ना, देखो छपाई पे 90 डिग्री खर्च हुआ है और कागज का मूल्य जो 120 डिग्री है, विविध खर्च जो है 20 डिग्री है, रॉयल्टी 60 डिग्री है, 70 डिग्री विज्ञापन है, सबको आप मिला के जोड़ोगे ना तो आपका आंसर ही साथियों कितना आएगा, 360 डिग्री। अगर आप चेक करना चाहो तो कर लो भाई, ये देखो 140 हो गया, 40 और 60 180, ये इधर 180 हो गया, अब इसको भी इधर देख लो 90, 20 सॉरी 20 इधर हो गया 120, और ये 40 और 60 कितना हो गया 200 डिग्री, और इधर देखो कितना है 200 डिग्री वो हो गया, इसमें एक मिला लोगे तो 160, 200 और 300, 360 डिग्री हो गया साथियों। आप जोड़ लो बस, हमेशा जोड़ने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा सवाल बन जाए बस अपना सवाल पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है ना, सिंपल सी बात, अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, तो भाई लिखो, क्वेश्चन ये पूछेगा कि नीचे दिए गए पाई ग्राफ का अध्ययन करें तथा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि रॉयल्टी पर, यदि रॉयल्टी पर, यदि रॉयल्टी पर 30,000 रुपया खर्च हुआ है, यदि रॉयल्टी पर 30,000 रुपया खर्च हुआ है तो विज्ञापन का खर्च ज्ञात करो, विज्ञापन का खर्च ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो आ गया क्वेश्चन, यहां पे सवाल है, यदि रॉयल्टी पर 30,000 रुपए का खर्च हुआ है तो विज्ञापन पर खर्च ज्ञात करो। तो देखेंगे आप ना भाई, रॉयल्टी यहीं पे तो है, तो रॉयल्टी की जो वैल्यू है कितना है बाबू, 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू सवाल में क्या है, 30,000, तो जीरो से जीरो कट गया, 6 × 9 = 6, 6 × 5 = 30, 00 उतारो, एक डिग्री की वैल्यू साथियों कितना आ जाएगा, 500। सवाल में पूछा विज्ञापन का खर्च बताओ, तो विज्ञापन कितना डिग्री है साथियों, 70 डिग्री, तो गुना कर देंगे 70 डिग्री, तो भाई देखो 3 जीरो लगा लो, पहले 1 जीरो ये, 2 जीरो, और 7 × 5 क्या होता है साथियों, 35, सवाल का आंसर आ जाएगा 35,000। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन ये हुआ, एक बार साइड हट रहे, स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग, फिर अगली बात पे बढ़ते हैं भाई, ठीक है मित्रों। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटाते हैं भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विविध खर्च, विविध खर्च विज्ञापन का कितना, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, विविध खर्च विज्ञापन का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत है। अब देखो ये सवाल हो गया दूसरा, विविध खर्च विज्ञापन का कितना परसेंट है,
तो विविध खर्चिए रहा। विज्ञापन का कितना परसेंट है, तो का की से सा है उसको नीचे रखते हैं, तो भाई 70 और विविध खर्च कितना है बाबू 20। ये कितना परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए गुना में 100, तो बाबू आप देखेंगे जीरो से जीरो कट गया, ये गुना होगा ऊपर 200 हो गया और नीचे 7। ठीक है, कोई दिक्कत? सवाल में फिर से देख लीजिए, विविध खर्च का विविध खर्च विज्ञापन का कितना प्रतिशत है, तो विविध खर्च आपका क्या है 20 है, विज्ञापन कितना है 70 है। गुना किए बाबू, तो ऊपर 100 से होगा गुना तो 200, नीचे 7 से तो 7। अब काट लीजिए, तो 7 दुना में साथियों 14, कितना बच गया 6 बच गया 60, 7 बटे 56 कितना बच जाएगा 4, 4 बटे में 7%। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। देखो 7 दुना में 14 है ना, तो 6 बज गया कितना हो गया 60 हो गया, 7 बटे 56, फिर 4 बज गया 4 बटे 7%। ठीक है, इसको नोट किया जाए भाई। ठीक, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, इजी सवाल एकदम है ना, सवाल इसी प्रकार से बनेंगे और कोई नहीं बनेगा। अगला मिटाए इसको ना भाई, तीसरा सवाल देखिए इससे क्या बनेगा। यदि कुल खर्च 120,000 रुपए है तो कागज का कागज के मूल्य का खर्च बताओ, खर्च क्या होगा, ये आपका सवाल हो गया। यदि कुल खर्च 120,000 रुपया है तो कागज के मूल्य का खर्च क्या होगा, सवाल ये। पूरा खर्चा अगर आप देखेंगे ना, पूरा खर्चा ये डिग्री में है, तो साथियों डिग्री हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू क्या है 120,000। ठीक है भाई, 120,000 अब हो गया ना, 120,000, तो देखो जीरो से जीरो कट गया है ना। अब आप काटेंगे 12 × 36, 12 का नाम है 12, 1000, यानी कि एक डिग्री की जो वैल्यू आ गया ना 1000 बटे में 3 आ गया। सवाल में पूछा इसका बता दो, कागज का कितना है 120 डिग्री, ये है भाई, तो 3 × 12, 0 बचा वो कर लो, अब गुना कर दो, ये तो एक डिग्री का मान था, तो 4 का नाम है 4, 3 × 0 = 1, 0 ये सवाल का आंसर हो गया 40,000। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, यदि कुल खर्चा 120,000 रुपया है तो कागज के मूल्य का खर्च क्या होगा। देखो कुल खर्चा पूरा गोला को लेंगे साथियों 360 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू 120,000, जीरो से जीरो कट गया, 12 से मैंने काटा, 12 का नाम 12, 12 × 36, 3 × 0 बजा उतार लिया, 1 डिग्री की वैल्यू ये बटे में चला गया, इतना हो गया भाई। हमें चाहिए 120 का, 120 से गुना कर दिया, 3 × 12, 0 बच गया ऊपर गया, तो 4 करना में 4, 3 × 0 ये लिख लिया, 1 × 0 ये 40,000 सवाल का आंसर हो गया साथियों। उम्मीद करते हैं बाबू आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन इससे करते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं बेटा, है ना भाई। क्वेश्चन सभी आसान है, अगर सोचें आप तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगला सवाल क्या, छपाई तथा विज्ञापन का अनुपात,
छपाई तथा विज्ञापन का अनुपात क्या होगा? होगा सवाल नंबर चार है, छपाई तथा विज्ञापन का अनुपात क्या होगा साथियों? तो आप देखेंगे छपाई कितना है 90 डिग्री, विज्ञापन कितना है तो कहेंगे बाबू 70 डिग्री, तो 0 से 0 बढ़ गया, 9:7 सवाल का क्या है साथियों आंसर है। उम्मीद करते हैं साथियों आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे, है ना, कोई यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने अपना जो है टारगेट पूरा किया साथियों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ।